हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. टुडे वी विल डू आवर चैप्टर नंबर 25, दैट इज वर्ड्स दैट कन्फ्यूज. नाउ हैव अ लुक एट योर बुक. यू माइट हैव सीन दैट सम वर्ड्स साउंड द सेम बट देयर मीनिंग आर डिफरेंट. दे आर कॉल्ड होमोनिम्स. अभी वो कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, दे साउंड्स ऑलमोस्ट सेम बट देयर मीनिंग्स आर different from each other and these words are known as homonyms. इनको क्या कहते हैं, homonyms, जो similar sound देते हैं but they are different in their meanings. Look at the following words and learn them carefully. Now have a look at number one. Life, it means alive. They live a happy life. तो ये live जो है किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, कि मींस कोई चीज़ जिंदा है, मतलब दे आर स्टिल अलाइव. नेक्स्ट वन इज लाइफ, अ परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन और ब्रॉडकास्टिंग समथिंग. लाइव मींस कोई, देखा होगा आप लोगों ने अक्सर आता है मैच लाइव हो रही है, कोई न्यूज़ लाइव आ रही है, तो कोई भी परफॉर्मेंस या ब्रॉडकास्टिंग जो लाइव हो रही है, मतलब एट द सेम टाइम हो रही है, दैट हैज़ बीन टेलीकास्टेड ऑन योर टीवी. We see a live telecast of the match. हमने क्या देखा, मैच का लाइव टेलीकास्ट देखा. ये जो है उनके यूजेस जो है, वी आर सीइंग इन दीज थिंग्स इन अ सेंटेंस फॉर्म. नाउ नंबर टू इज क्वाइट, इट मीन्स फुली और एंटायरली. एंड हैव अ लुक एट द सेंटेंस, द बॉय वॉज क्वाइट स्मार्ट टू आंसर द क्वेश्चंस. मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, वो पूरा फुल्ली ही वॉज कम्फर्टेबल. नेक्स्ट क्वाइट इज इट मीन्स काम, मीन्स शांत हो जाओ. हम कहते हैं ना कीप काम डाउन या बी क्वाइट. ब्रिजेश इज अ क्वाइट बॉय. नंबर थर्ड रोज, द पास्ट टेंस ऑफ राइज, इट मीन्स टू गेट अप. ये राइज का पास्ट टेंस हो गया एंड अलॉन्ग विद दैट इसका मतलब होता है गेट अप. रितु रोज अर्ली येस्टरडे, मीन्स जीतू रोज, जीतू जो है क्या हुआ, वो अर्ली मॉर्निंग में उठ गया था कल. नेक्स्ट रोज, इट मीन्स अ फ्लावर. ये तो आप लोग को सबको पता, यू नो द मीनिंग ऑफ रोज. आई सॉ अ ब्यूटिफुल रोज इन द गार्डन. नंबर फोर्थ इज डियर, सम वन हु इज लव्ड. एक डियर मीन्स होता है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं. आई थिंक यू मस्ट, वेन एवर यू यूज टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स और टू योर पेरेंट्स, यू यूज टू राइट डाउन डियर ना, डियर मम्मी, डियर पापा. तो वो डियर मीन्स समवन यू लव. सुमन इज़ वेरी डियर टू ऑल, मीन्स वो सबकी प्यारी है. नेक्स्ट डियर, एन एनिमल विच लिव्स ऑन ग्रास. ये डियर जो है एक एनिमल होता है, देखा होगा, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन. आई सॉ अ डियर इन द जू. नंबर फाइव इज फाइन, अ फी इज चार्ज्ड इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट. देखा है, फाइन चार्जेस होते हैं ना, जब आप प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते थे, दैट सेम फाइन. द टीचर चार्ज्ड अ फाइन ऑफ ₹10. अब टीचर किस चीज़ के लिए चार्ज करेगी, यू नो दैट वेरी वेल. नेक्स्ट फाइन इज, इट इज़ यूज्ड इन अ प्लेजेंट मैनर. इट्स फाइन, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. और इस फाइन की मीनिंग क्या होती है, कि इट्स ओके. नेक्स्ट नंबर सिक्स इज एट, पास्ट टेंस ऑफ ईट. ईट का क्या हुआ, सेकेंड फॉर्म हो गया एट. और स्पेलिंग देखो, हैव अ लुक एट द स्पेलिंग्स, दे आर क्वाइट डिफरेंट. यहाँ पे ए टी ई है और नेक्स्ट वन इज ई आई जी एस टी. ऑल दो दे साउंड सिमिलर बट देयर स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. इट्स अ नंबर एट. देयर आर एट मेंबर्स इन आर टीम. नेक्स्ट वन इज वन, मूव टू नेक्स्ट पेज. वोन पास्ट टेंस ऑफ विन, विन का पास्ट टेंस हो गया. एंड सेकेंड वोन देखो, हैव अ लुक, स्पेलिंग्स डिफरेंट है एंड अलॉन्ग विद दैट मीनिंग्स आर ऑल्सो डिफरेंट. दैट्स वाई दीज वर्ड्स आर नोन, दीज वर्ड्स आर नोन एज होमोनिम्स. पर्सनल इन केस ऑफ पोजेशन, दिस इज माई ओन हाउस. और फर्स्ट वोन का क्या था, मीन्स जीतना. चारू वोन द फर्स्ट प्राइज इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन. नंबर एट इज देयर, सोज पोजिशन ऑफ प्लूरल ऑफ थर्ड पर्सन. मीन्स पोजिशन मीन्स जो अपनी चीज़ शो करते हैं, पोजिशन. दैट इज़ देयर हाउस, मीन्स उनकी पोजिशन को शो कर रहा है. देयर, देयर शोज द डिस्टेंस
अपोजिट ऑफ हेयर. अभी हम लोग यूज टू टॉक ना कि व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर, तो ये देयर मीन्स वहाँ पे, ठीक है. नाउ हैव लुक एट नाइन्थ नंबर, बॉल. अ राउंड एंड हॉलो ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर प्लेइंग बॉल. यू नो वेरी वेल बैट एंड बॉल, वी प्लेड विद अ बॉल. नेक्स्ट इज बाउल. अ लाउड नॉइज, द लेडी वॉज बाउलिंग. जब आप बिल्कुल बहस करने पे आ जाते हो तो क्या करते हैं हम लोग उसको, वी यूज्ड टू कॉल इट बाउलिंग. नंबर टेंथ इज मिनट, इट रेफर्स टू टाइम. आई वेटेड सेवरल मिनट्स फॉर द ट्रेन, मीन्स यहाँ पे वो मिनट्स जो है वॉच के अकॉर्डिंग शो कर रहा है. नेक्स्ट माइन्यूट है, प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट डिफरेंट. माइन्यूट, इट रेफर्स टू अ लिटल डिफरेंस, मीन्स माइन्यूट मीन्स डिफरेंस, लिटल डिफरेंस. देर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन तन्मी एंड रिद्धि, मीन्स उन दोनों में क्या है, देर इज अ माइट डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस. ओके, आई थिंक द चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. And one more thing, just make a list of some more words, just like own, are, h-o-u-r-r, o-u-r-r, although they sound same but their meaning is different. In the same way, make a list of 10 similar words. Along with that, write down, make a sentence from these words. Okay, bye-bye students.